क्या नाम आपका? गौरव सक्सेना, यूथ पावर। क्या कहना चाहते हैं? जिस तरह से फीस माफी के विषय पर अभिभावक हित में सभी लोग प्रयासरत हैं, उसी क्रम में यूथ पावर वेलफेयर समिति आज पुनः जिला अधिकारी संबोधित ज्ञापन एक सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा, जिसमें जिला शुल्क समिति की बैठक कल होने वाली है, जिसमें फीस माफी के मुद्दे पर क्या क्या मुख्य बिंदु होने चाहिए जिससे फीस माफी का मुद्दा और अभिभावक हित में निकल कर आए। दूसरा, जिला शुल्क समिति के पुनर्गठन में जिस तरीके से राजनीतिकरण व सिफारिशों की भरमार चल रही है, जो कि समाचार पत्रों से हम लोगों को ज्ञात हुआ, उससे वास्तव में आम अभिभावक और अभिभावक हित में प्रयासरत लोगों को ठेस पहुंची है। ये भी गुहार लगाने आए हैं कि इस तरीके से राजनीतिकरण में जिला शुल्क समिति को न बांटा जाए, कहीं ना कहीं वो अभिभावक हितों के रक्षण में संदेहजनक स्थितियां उत्पन्न करेगी। तो यही गुहार हम लगाए हैं और कल की मीटिंग में मुख्य बिंदु हमने ये रखे हैं कि शुल्क अधिनियम 2018 के तहत सभी स्कूल वालों से 3 माह के खर्चों का विवरण लिया जाए, उस 3 माह के खर्चों के आधार पर या तो फीस माफी का निर्णय या फिर छूट का निर्णय, जो कि औसतन बराबर सभी के लिए होना चाहिए, ये हमने गुहार लगाई है ज्ञापन के माध्यम से। और सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि इस पर सख्त से सख्त जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। बंटी जी, क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? आज सिटी मजिस्ट्रेट के लिए यूथ पावर की ओर से एक ज्ञापन दिया गया है, जो एक सराहनीय कार्य है, क्योंकि लगातार यूथ पावर अभिभावकों के प्रति मांग उठाते चले आ रहा है। और जो फीस माफी का मुद्दा है वो सबसे कठिन मुद्दा है, क्योंकि इस पे फीस को माफ होना चाहिए, क्योंकि कोरोना के लेके सभी लोग इससे परेशान हैं, प्रभावित हैं, और हर स्कूल के लिए कम से कम इस पे एक विचार करें, क्योंकि सारे स्कूल ट्रस्ट द्वारा चलते हैं, संचालित होते हैं, और इनको फीस माफी करने का अभिभावकों के हित में करना चाहिए।